के घोटों पर वीडियो बनाना छोड़ दिया तो इन झंडुओं को लग रहा है कि जैद तो डर गया, जैद के पास तो डिबेट करने के लिए कोई जवाब ही नहीं है। तो सुन बेला पर जंकी, जैद ने ऑलरेडी तुझे डिबेट में हरा चुका है। गाइस रिसेंट क्या बोला तूने, फिर से बोल, हमको अभी डिबेट मारा? अबे भाई हम अनबीटेबल है, तूने हमको कब डिबेट में हराया? और हराया भी है तो भाई चल स्क्रीनशॉट दिखा दे, चल स्क्रीनशॉट दिखा मुझे डीएम पे। चल मैंने इसे और इसके कछुओं को ग्रुप चैट पर ऐड किया और मैंने वांगलिन के गोटों से एक सवाल पूछा, तेरे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है और तेरा कंटेंट और दूसरी बात कंटेंट कुछ भी नहीं हमारा भाई, तुम लोग देखो देखो जो गोकू फैंस है ना वो सब ओवर रेट कर रहे हैं गोकू, तो भाई हम सिंपल है भाई, जो ओवर रेटेड बंदा है उसको हम दिखाना चाहते, तू अपनी जो औकात है वहां पे रहे हो, ऐसा दिखाना चाहते हम लोग। गूगल पे से उठाया पैराग्राफ और कर दिया। अरे भाई तुझे लाइट नॉवल की चीज गूगल लगती है? अबे तूने कभी जिंदगी के अंदर लाइट नॉवल भी देखा तुझे? और गाइस मुझे ऐसा लगता है इसने जिंदगी के अंदर कभी लाइट नॉवल देखा नहीं, तो भाई वो लाइट नॉवल का जो स्क्रीनशॉट है उसको तो भाई गूगल ना कहो, जो पेस्ट कॉपी पेस्ट वही बोलेगा, तो मैं क्या ही बोलूँ इसको। पूछो तो कहते हैं देख ले गोकू नहीं जीत सकता अभी। अरे गोकू भाई कितने सारे कैरेक्टर से हार जाएगा अबे, मैं क्या ही बोलूं अब। लसनपुर के बंदर पहले वीडियो एडिट करना सी, इनकी बचकानी हरकतों पर मुझे हंसी आती है, ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे स्टोरी पे टैग करना, किसी और वीडियो क्रिएटर का वीडियो उठाकर वांगली। अच्छा किसी और क्रिएटर का वीडियो, ऐसा है क्या? मेरी वीडियो में तो मुझे लगता नहीं यार, मैं भाई मैं दूसरे मेंबर करता है भाई एक, बट मैंने कब किया? मुझे पहले ये बोल तूने मतलब यहाँ मुझे क्यों नहीं टारगेट किया? फर्स्ट वैंगलिंग को और मुझे टारगेट किया, बट इस वाले जो पेज है मतलब तूने मेरा वीडियो क्यों नहीं लिया? तेरे पास तो प्रूफ ही नहीं है, और मैं खुद का एडिट बना था और तेरे से तो अच्छा ही बना, तो लाख गुना अच्छा। लिंग और गोकू का फेस लगाकर वीडियो में मुझे टैग करना, ये इतने इमेच्योर है, वांगलिंग को लेकर खुद की फैंटेसी बनाकर रखी है इन लोगों ने। अबे भाई तुम तुम्हारी औकात में रहा करो भाई, तुम गोकू फैंस को समझ तो क्या, मतलब तुम्हारा जो गोकू है वो तो खुद के वजन में तो स्ट्रांग है ही नहीं, और तुम इतना कमेंट रखते हो, और वांगलिंग भाई पूरे फिक्शन के स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर है, तू हमसे कभी डिबेट ही कब किया? तुम मुझे पहले ये बोल, मुझे वही नहीं पता है, खुद नहीं पता एनिमे क्या होता है और ये करेंगे डिबेट। अबे तुझे कुछ नहीं पता एनिमे क्या होता, तो हमको क्या बोल सकता है, तू छोड़ यार। बेट और सुन बे लोडू, प्रूफ चाहिए था ना तुझे, ड्रिप गोकू द लेजेंडरी सेयन वॉरियर द ह्यूमर कम्स फ्रॉम द। अबे मैं कुछ बोल दूंगा मैं गाली नहीं देता, बट अबे तू स्टेटमेंट पे बोल रहा है, प्रूफ मतलब स्कैंस होते, स्कैंस दिखा ऑफिशियल जो होते हैं ना वो दिखा, अबे तू बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वैसे तो मैं भी बोल दूँ कुछ भी यार कि ये तो स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन तो बन गया वो बोलने से, अबे तू थोड़ा सा वो है क्या बंदा, क्या बोलूँ मैं। Over the top nature of his drip and his godlike powers that transcend established non-limitation. Forget about Super Saiyan or Ultra Instinct. Drip Goku operates on a whole new plan of existing, a plan referred to as Driptotence or a Driptoscience. Goku create a new universe and also destroy a millions of universe. आज भी मैं वही कहता हूँ, वांगली को बोलो पहले अपना स्कूल खत्म कर। अबे यार वही चीज फालतू, कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बोल रहा है। अबे तू भाई तू जो बोला है ना ये पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा तूने जो भी बोला उसका जो स्कैन है वो दिखा, तुझे स्कैन का मतलब भी पता है? और बोलने से कुछ नहीं होता, मैं फिर से बोलो स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होने वाला, बोलने से नहीं होने वाला, तू हमको स्क्रीनशॉट दिखा बे यार, मुझे पागल कर देगा तू। और दूसरी बात अरे बैंगलिंग की स्कूल जाने वाली, भाई मैंने पहले ही बोला था अभी भी बोल रहा हूँ मैं, वो एक रिकार्डेशन बंदा है, मतलब उसने रिकार्डेशन लिया है, तो तू एक रिकार्डेशन बंदे को कैसे बोल सकते हैं वो 16 साल का, मतलब उसने एनिमे के अंदर रिकार्डेशन लिया था वो 16 साल का, बट उसका जो रियल है लाइट नॉवल के अंदर बंदा इसका एज अननोन है भाई, मतलब वो टाइम से पहले का है भाई, वो बंदा टाइम से भी वर्ल्ड पहले का है भाई। मैं क्या ही, मैं किसको समझा रहा हूँ यार, छोड़ो। करे उसके बाद आना द मिथ द मैन द गॉडफादर ऑफ ऑल एनिमे कैरेक्टर, गॉडफादर ऑफ ऑल एनिमे नहीं यार, वीकेस्ट कैरेक्टर नहीं एनिमे, इतना बोल सकते हो तुम सन गोकू से भिड़ने। हाँ भाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा पता है, मुझे इस चीज़ का गुस्सा नहीं, इसने हम पे वीडियो बना, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा पता है, मैं अभी नीचे उठा हूँ और उसका इसका वीडियो पहले मुझे दिखा भाई, मतलब नीचे उठ से मतलब मैं मतलब मूड अच्छा था मेरा भाई, पहला वीडियो इसका दिख गया भाई, उस बात का गुस्सा आ रहा है भाई, मैं इसको गाली भी नहीं देता, अरे इसको क्या मैं किसी को भी गाली नहीं देता, तो यह बंदा फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। और पहली बात और आखिरी बात, मैं फिर के एडमिन मैं हूँ, तो भाई तू मेरे से बात कर लेना, तू मेरे मेंबर से जाकर क्या ही बात कर लेगा, वो क्या ही बोलेंगे, वो तो गाली देगा ना भाई, इसलिए बोलता भाई शांति से आकर मेरे साथ बात कर ले डीएम के अंदर, और तूने मेरे डीएम का कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया, तो मैं क्या ही बोल तुझे अब, छोड़े यार।